सो कंटेंट साइट्स के साथ 500 से $1,000 बनाना अब मुश्किल नहीं रहा, और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ एक्शन लेते हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं एक क्विक प्लान शेयर करता हूँ कि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि स्टार्ट से एंड तक जो एक कंटेंट साइट होती है उसके ऊपर क्या क्या एक्शंस आप परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला काम है निच सेलेक्ट करना, यानी कि टॉपिक सेलेक्ट करना। अब ऑलरेडी काफी वीडियोस हैं चैनल के ऊपर, आप सीख सकते हो एक नीच कैसे निकाली जाती है, कैसे उसको फाइनलाइज किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में एक ऐसी नीच चूज करनी है जो प्रॉफिटेबल भी हो बट उसमें कंपटीशन कम हो। कंपटीशन का मतलब है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा उस नीच से प्रॉफिट लेने के लिए। और सबसे बेहतर तो ये चीज होती है कि अगर आप एक ऐसी नीच को चूज करो जिसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट बना रहेगा एंड तक। और अगर एक क्विक मेथड आपको चाहिए नीच रिसर्च का, फ्लिपा पे जाओ और रिसेंटली सोल्ड का फिल्टर लगा के देखो कि कितनी ऐसी साइट्स हैं जो सेल हो चुकी हैं, उनके स्टैट्स को देख के आपको एक जजमेंट मिलती है कि यार इस नीच में इस साइट ने इतना बिजनेस किया था, क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उस। स्टेप नंबर 2, कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च। तो बेसिकली रिसर्च का जो असल मकसद होता है वो यही होता है कि जितनी बड़ी भी नीच है उसमें से आप एक स्पेसिफिक पोर्शन, स्पेसिफिक एरिया, उस पूरी नीच का उसकी लिमिट डिफाइन करते हो कि हाँ मैं इसी पर्टिकुलर एरिया में रह के काम करूँगा। बिकॉज समटाइम्स कोई नीच बड़ी हो सकती है, कोई छोटी हो सकती है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर बजट एंड रिसोर्सेज हर नीच को कम्प्लीटली टारगेट करना पॉसिबल नहीं हो सकता। सो रिसर्च करने के लिए आपको काफ़ी टूल्स हेल्प कर सकते हैं। अगर फ्री की बात करें आपको गूगल सजेस्ट, गूगल कीवर्ड प्लानर, आंसर द पब्लिक, और इसी तरह अगर पे टूल्स की बात कर लें तो आपके पास SEMrush, Ahrefs एंड लो फ्रूट्स जैसे टूल अवेलेबल हैं जो वन क्लिक पे आपको कीवर्ड्स की लिस्ट निकालते और ऐसे कीवर्ड्स जो एग्जैक्टली आप अपनी साइट्स पर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी दफ़ा मेथड्स मैं शेयर कर चुका हूँ इन सब टूल्स को यूज़ करने के, बट अगर आपको अफोर्डेबल टूल इनमें से चाहिए तो वो SEMrush है। SEMrush अगर आपको फ्री में चाहिए तो उसका आपको ट्रायल परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ट्रायल पे जाएंगे आप, उसके कार्ड डिटेल्स देंगे, नथिंग विल बी चार्ज्ड, बट आपको उसका एक प्रूफ देना है ताकि आप अगर नीचेस चाहते हो उसके बदले में आपको वो मिल जाएंगी। सेकेंडली डिस्क्रिप्शन में आपको एक सेलर होंगे, उनका भी नंबर मिलेगा, आप उनसे भी SEMrush परचेज कर सकते हो। ओके, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब तक आपकी रिसर्च अच्छी नहीं हो जाती तब तक आपकी अगली जितनी भी मेहनत होगी वो सारी की सारी डिस्क पे रहेगी। सो जितना ज़्यादा टाइम हो सके रिसर्च पे स्पेंड करें। स्टेप नंबर 3 है कि कॉम्प्लिकेट नहीं करना इस चीज़ को कि एक साइट बनानी है, डिज़ाइन नहीं आता, थीम्स यूज़ नहीं करने आते, कुछ भी, नथिंग मैटर्स। ऑल यू नीड टू डू इज़ सेट अप अ साइट दैट इज़ फास्ट लोडिंग एंड दैट्स इट। जितनी बेसिक होगी उतना ही अच्छा है, सो डिज़ाइनिंग की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ गेट अ गुड होस्टिंग, द होस्टिंग्स आई रिकमेंड इज़ साइटग्राउंड, बट ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो होस्टगेट की है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिलेगा। अगर आप इस लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेज करते हो आपको 1 month के लिए फ्री टूल्स मेरी तरफ से मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। तो एक एफिशिएंट साइट ऐसी होती है जो अच्छी होस्टिंग पे हो, लाइट थीम यूज़ कर रही हो, फास्ट लोड करे, कम प्लगइन्स हो उसमें, क्लीन लेआउट हो उसका, तो जितना अच्छा वो यूज़र एक्सपीरियंस देगी उतना ही आपके लिए फ़ायदा उसमें। स्टेप नंबर 4, प्रोड्यूस क्वालिटी कंटेंट। दिखने में तो बहुत ही आसान सा वर्ड लगता है बट इसी के ऊपर आपकी सारी की सारी मेहनत डिपेंड करती है। तो इसकी आपको एक क्विक ट्रिक बता देता हूँ। आप जिस कीवर्ड के लिए भी कंटेंट लिखना चाहते हो उस कीवर्ड पे जो कंपेटिटर्स रैंक कर रहे हैं उनको एनालाइज करो, क्या हेडिंग्स यूज़ कर रहे हैं, क्या कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, कितने क्लस्टर्स हैं उनके, ये सारी चीज़ें आप अपने कंपेटिटर से ही सीख सकते हो। इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। जितनी ज़्यादा इंस्पायरेशन आप कंपेटिटर से लोगे बिकॉज दे आर ऑलरेडी वर्किंग, और उसका प्रूफ ये है कि दे आर रैंकिंग। हाँ, यहाँ पे बस एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट हो वो आपकी साइट पे ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर्ड विद जो एफिलिएट कंटेंट, जो प्रोडक्ट रिव्यूज़ होते हैं। बिकॉज आपको भी पता होगा जो प्रोडक्ट रिव्यूज़ है गूगल की अपडेट्स बहुत ज़्यादा आई हैं इसके ऊपर, सो इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस चल रही है, बट यू कैन स्टिल डू इट इफ़ यू मेंटेन द रेशियो 30% आप कमर्शियल कंटेंट रख लें, 70% आप इन्फॉर्मेशनल कंटेंट रख लें। लेकिन एक चीज़ जो इसमें आपको हमेशा सस्टेन करेगी वो ये है कि कितना कंसिस्टेंटली आप पब्लिश करते हो। द मोर कंसिस्टेंटली यू पब्लिश द मोर रिजल्ट्स योर साइट विल ब्रिंग, दैट्स इट। स्टेप नंबर 5, स्टार्ट बिल्डिंग बैकलिंक्स। ऑल्दो अगर आप ऐसी नीच फाइंड कर लेते हो जिसमें बहुत कम कंपटीशन है, आपको बैकलिंक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी रैंक होने के लिए, बट अगर कोई आपको बीट करने आएगा देन यू विल नीड बैकलिंक्स टू स्टे इन योर पोजीशंस, अदरवाइज एनीवन कैन बीट यू बिकॉज योर साइट विल बी अ वीक स्पॉट फॉर एनीवन टू टारगेट। सो अपनी साइट की एक अथॉरिटी बिल्ड करना आपके लिए लाजमी है अगर आपको सर्च इंजन में रैंक नहीं बल्कि सस्टेन करना है। तो लिंक बिल्डिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट लेकिन सबसे अच्छा जो मेथड है जो आपको अच्छे बैकलिंक्स फ्रॉम बिग DR साइट्स लेके देगा वो है हारो का। तो हारो में बेसिकली आपके पास आप सिंपल साइन अप करोगे और आपके पास डेली लिस्ट आती है जर्नलिस्ट्स की कि उनको डिफरेंट टाइप के लोग रिक्वायर्ड होते हैं फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। अगर आपकी साइट उस कैटेगरी में मीट करती है यू विल अप्लाई और होपफुली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप उसी नीच के बंदे हो जिस नीच की अगले बंदे को रिक्वायरमेंट है यू विल गेट अ लिंक। दीज डेज इट इज़ गेटिंग सैचुरेटेड बट यू कैन ट्राई योर लक, अदरवाइज बैकलिंक्स तकरीबन पेड चीज़ है। स्टेप नंबर 6, मोनिटाइज योर साइट। तो मोनिटाइज करने का मतलब यह है कि अब आपकी साइट
रेडी हो जाएगी कैश फ्लो जनरेट करने के लिए, तो उसके लिए बहुत सारी ऑप्शन है आपके पास। अगर आप एड्स के थ्रू करना चाहते हो तो द स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी एडसेंस, उसके बाद आप एजोइक अप्लाई कर सकते हो, आफ्टर दैट मीडिया वाइन अप्लाई कर सकते हो, बट उसकी रिक्वायरमेंट है 50,000 ऑर्गेनिक ट्रैफिक फ्रॉम गूगल। सो अगर आपकी साइट के ऊपर 50,000 ट्रैफिक आ रही होगी देन मीडिया वाइन के लिए आप एलिजिबल होते हो। अप्रूवल क्राइटेरिया भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, बहुत अच्छी साइट रिक्वायर्ड होती है, दिस इज ऑल अबाउट इट। इसके अलावा अगर आप एफिलिएट की बात करते हो, आपके पास अमेजोन है, डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करते हो तो आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां से अगर आपकी साइट उस कैटेगरी में है जहां पे डिजिटल प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड हैं, आप अपने भी डिजिटल प्रोडक्ट बना के सेल कर सकते हो। स्टेप 7, स्टार्ट बिल्डिंग योर ईमेल लिस्ट। ये ऐसी चीज है जिसका फायदा आपको आज नहीं तो कल आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा होगा। इसका फायदा ये है कि आज नहीं तो कल हो सकता है आपकी साइट गूगल में अपडेट की वजह से ट्रैफिक को लूज कर दे, देन यू विल हैव नोबडी टू कम ऑन योर साइट। सो इस सिनेरियो में आपकी साइट पे सिर्फ और सिर्फ वो लोग आएंगे जिनको आपकी साइट शो होगी, तो ईमेल लिस्ट वो लोग होंगे जिनको आप अपना कंटेंट शो करवा सकोगे और जिनको आप यूज़ कर सकोगे फॉर योर एडवांटेज। दैट्स वाई जैसी भी आपकी निच है, हर निच में उस निच से रिलेटेड लोग एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स हैं ईमेल कैप्चर करने की। आप एक पॉपअप बिल्ड कर सकते हो, आप फ्री में कुछ ऑफर कर सकते हो, और इसके लिए एक फ्री टूल आप यूज़ कर सकते हो मेरीलाइट का, और बहुत सारे अल्टरनेट्स। कीप दैट इन माइंड, दिस इज नॉट द फास्टेस्ट मेथड टू मेक मनी, बट दिस इज द वन हाईएस्ट आरओआई। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।